आज हमारा टॉपिक है राइम। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि राइम इस स्टेप कौन कौन सी होती है, टाइप्स कौन कौन सी होती है, वो भी उनकी पोजीशन के हिसाब से। राइम जिसको कि हम कविता के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, तो जानते हैं कि राइम है क्या। द रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लास्ट सिलेबल्स इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स मानी कविता। कविता की जो अंतिम सिलेबल्स, सिलेबल्स का मतलब होता है लेटर्स। तो सिलेबस के जो जो लास्ट वाले जो लेटर्स होते हैं कविता की लाइन के, उनकी साउंड का रिपीटेशन, वो भी लाइन के अंत में। एंड द साउंड ऑफ वो साउंड आवाज दैट फॉलो द वॉवल्स, और वो ऐसी साउंड जो वॉवल्स को फॉलो करती है, अनुकरण करती है, उसे हम राइम कहते हैं। यानी कविता के कविता की जो लाइन होती है उसके अंत में जो लास्ट सिलेबल्स, जो लास्ट लेटर्स होते हैं, उनकी साउंड का रिपीटेशन होना। और रिपीटेशन के साथ साथ हमें उसमें देखना है कि जो वॉवल्स होते हैं क्या वो फॉलो कर रही है ये साउंड या नहीं। अगर कर रही है तो वो राइम की राइम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉलो फॉलो लेट फेल। तो देखिए फॉलो, तो फॉलो जब बोलते हैं यहाँ पर वॉवल को वो ए है, यहाँ पर ओ है, ये क्या करता है, फॉलो कर रही है साउंड। वेर इज स्टेप्स ऑफ राइम। अब राइम के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, वो भी उनकी पोजीशन के हिसाब से होते हैं। बिगनिंग राइम होती है, एंड राइम होती है, इंटरनल राइम है, अदर राइम्स है। अदर राइम्स में मैस्कुलिन राइम भी होती है, फेमिनिन राइम भी, आई राइम भी, और कुछ इसके अंतर्गत और भी अलग राइम देखी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगनिंग राइम है। सिमिलियर वर्ड्स सेम शब्द, यानी समान शब्द वी कैन फाइंड एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। जब हम लाइन की शुरुआत में ही, लाइन की स्टार्टिंग में ही अगर एक जैसे शब्दों को पाते हैं वो हमारी बिगनिंग राइम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर एंड नियर कोकिलास हील द डे, एंड टू देयर पास्टर फेंट आर स्लीपिंग काउ, एंड इन द शेडो ऑन द बोट टैंक का। तो देखिए ये जो स्टार्टिंग, तो क्या हमने बात करें बिगनिंग, बिगनिंग माने आरंभ। तो शुरू में ही देखिए सेम वर्ड। तो अगर आप कभी भी किसी भी कविता को पढ़ते, तो कविता को पढ़ते समय की स्टार्टिंग लाइन में अगर आपको सेम शब्द नजर आता है तो इट मीन्स हम वहां पे कह सकते हैं कि ये बिगनिंग राइम। एंड राइम, अब इसी तरीके जिस तरीके से बिगनिंग राइम में शुरू में देखा जाता है और एंड में भी देखा जाता है, लेकिन वहां समान शब्द होते हैं, यहाँ पर वहां सब नहीं होते। इट अकर्स एट द एंड ऑफ ए लाइन ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पर हम कविता के अंत की लाइन देखेंगे। एंड राइम कनेक्ट वन एंड वर्ड टू द नेक्स्ट इन लाइंस ऑफ वर्ड, कविता की लाइनों में जो अगला जो शब्द होता है, नेक्स्ट मतलब अंतिम शब्द जो होता है उसकी राइम्स को हम देखते हैं। एंड ये पोइट्री एक म्यूजिकल क्वालिटी, और ये पोइट्री को एक म्यूजिकल क्वालिटी भी देती है। जैसे टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो देखिए कविता की लाइन है, कविता की लाइन में अंत वाला देखना है, अंत वाले हमने देखा था वन एंड वर्ड, तो लास्ट का अंतिम वर्ड हो गया। नेक्स्ट लाइन से अब देखिए अगली लाइन कौन सी, नाइट। तो ब्राइट डॉन, इसका भी अंतिम शब्द, इसका भी अंतिम शब्द, ब्राइट नाइट। तो दोनों में क्या होती है साउंड मिल रही है। लाइट लास्ट के शब्द भी देखिए आई जी एच टी, आई जी एस टी, बोलने में ब्राइट और नाइट एक, लेकिन पीछे लेटर्स भी जो तो सिलेबल्स है वो भी सेम मिलते हैं। बट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमिलैरिटी। तो आई स्मृति, आई स्मृति थी लास्ट की वर्ड है, साउंड यहाँ पर मिल रही है। इन व्हाट डिस्टेंट डीप स्काइज बर्नड द फायर ऑफ दाई आई, स्काइज आईज, दिखने में भी हो सकते हैं और सेम साउंड भी हो सकते हैं। ऑन व्हाट विंग्स डियर ही एस्पायर, एस्पायर व्हाट द हैंड डियर सीज द फायर, एस्पायर फायर। ये बोलने में एक जैसे शब्द लगते हैं और कुछ हमें लेटर्स भी दिखाई देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एंड राइम, क्योंकि वो अंत में हमें सिमिलर साउंड मिलती है। इंटरनल राइम, उस जिस तरीके से बिगनिंग राइम होती है स्टार्टिंग में देखते हैं, एंड राइम हम लास्ट के शब्दों को देखते हैं, लास्ट के साउंड को देखते हैं, उसी तरीके से इंटरनल राइम भी होती है जैसे लाइन के बीच में देखते हैं कविता की। इट अकर्स इन द लाइन ऑफ द पॉइंट, ये कविता की लाइन होती है। देखिए इन मिस्ट ए क्लाउड ऑन द मैन, देखिए एक ही लाइन में देखेंगे यह क्लाउड श्राउड, बोलने में जैसे लग रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनल राइम। इट पास फॉर वेस्पर नाइन, तो ये देखिए नाइन ये एंड टाइम स्कीम कैसे होगा, वाइल्स ऑल द नाइट थ्रू फॉग स्मोक वाइट, तो देखिए नाइट और वाइट
ये दोनों क्या है, इंटरनल राइम्स की में, जो कि इंटरनल राइम्स पर एक ही लाइन में मिल रहा है। बिगनिंग में और एंड राइम्स की में हम नेक्स्ट लाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एंड राइम के अंतर्गत अगर हम मिडिल राइम की बात अगर करेंगे तो वो केवल हमारा इंटरनल लाइन बीच की लाइन में देखना है, मतलब सेम लाइन के अंतर्गत। ग्लिमर द व्हाइट मून, इसको हम एक साइन है यहाँ पर, और हमारे किसी मतलब नाइन, तो नाइन और साइन ये हमारी क्या होगी, एंड टाइम्स। इस तरीके से इंटरनल राइम्स को एंड टाइम्स की क्या होती, क्लियर हो गया होगा। अब कुछ दूसरी राइम्स भी होती हैं, मैस्कुलिन राइम, फेमिनिन राइम और आई राइम। मैस्कुलिन राइम, मैस्कुलिन राइम में हम देखते हैं कि राइम राइम का होता है लैम लाना, तालमेल होना। द राइम विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रेस सिलेबल, देखिए सिलेबल माने लेटर, स्ट्रेस माने जहां पर हम दबाव देते हैं, जब हम एक ही लेटर पर दबाव दिया जाता है इस कॉल्ड मैस्कुलिन राइम। तो मैस्कुलिन राइम कौन सी होगी, जब हम केवल एक ही लेटर पर दबाव डालेंगे, स्ट्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टिल, हिल, मो, बोर, मो ओ ओ अक्सर साइन का नो, दीज वर्ड आर प्रोनाउंस्ड। यहाँ पर हम शब्दों को जो प्रोनाउंस करते हैं स्ट्रेस माने दबाव के साथ करते हैं। फेमिनिन राइम, द राइम कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेस लेबल्स फॉलोड बाई ए अनस्टेटिव। फेमिनिन राइम होती है जहाँ पर हम अनस्टेट यानी उस लाइन में जो लेबल्स होता है वहां पर हम कोई भी स्ट्रेस कोई भी दबाव नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग है एंडिंग, यहाँ पर बेंडिंग एंडिंग बोलते थे, हमें कहीं स्ट्रेस नहीं डालना पड़ता। जब हमने मोर बोर तो हमने उसमें दबाव स्ट्रेस के साथ यूज किया, तो स्ट्रेस जो कि वो फैमिली वो मैस्कुलिन हो गया, जहाँ पर स्ट्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या किसी भी सिलेबल को किसी भी लेटर का जब हम दबाव नहीं डालेंगे, दैट इज कॉल्ड फैमिलियन राइम। तो बेंडिंग एंडिंग क्लासिकल। नेक्स्ट है आई राइम, आई राइम का होता है जो हम आई का मतलब आंख, आंखों से ही हम इजिली कंफर्म कर ले, इजिली पहचान ले, सच है जैसे वीक ब्रीक, देखिए लास्ट में शब्द मिलते हैं बी ई ए के, डिपेंड ऑन कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स हुज एंडिंग्स आर स्पेल्ड लाइक। इसमें स्पेलिंग समान होती है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होती है, साउंड को इतना नहीं देखेंगे, लेकिन स्पेलिंग अगर वैसे भी अगर सेम होगी तो साउंड भी सेम होगी, लेकिन इसमें स्पेलिंग पर हमें ध्यान देना है। ओके वीक वीक, नाइट नाइट, क्लाउड शाउट, सेम शब्द हो गए, तो दैट इज कॉल्ड आई राइम स्कीम। अब होता है परफेक्ट टाइम, इफ द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द राइम साउंड इज एक्जैक्ट, अगर साउंड की जो राइम है कॉरेस्पॉन्डेंस है, अगर एक ले है, इट इज कॉल्ड परफेक्ट टाइम। इसे हम परफेक्ट टाइम बोलते हैं, फुल भी फुल राइम भी बोल सकते हैं, ट्राई राइम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है इम्परफेक्ट टाइम, पार्शियल या नियर राइम भी बोलते हैं। इन दिस राइम द वर्ड्स आर ओनली अप्रोक्सीमेटली और एल्स क्वाइटली। इसमें राइम जो होते हैं, जो वर्ड होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। राइम कॉन्सोनेंट आर सिमिलर रादर देन एडजेक्टिव, तो इसमें जो राइम वो कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स होंगे वो हमारे जो लेटर्स होंगे वो हमारे सिमिलर होंगे बजाय आइडेंटिकल की। एपोकेप्टेट राइम, इट इज अ राइम इन विच द एंड ऑफ द वर्ड इज डिस्काउंटेड, यानी एक शब्द का जो अंत होता है वो डिस्काउंटेड होता है, इसको आप काउंटिंग कर सकते हैं एज इन रोप होपलेस, तो रोप अलग है और होपलेस अलग। एनालाइज टाइम, इट इज ए कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ नियर राइम, जो जो क्वार्टन क्वार्टन होता है, एक क्वार्टन होता है चार लाइन का एक स्टैंजा, जब चार लाइन का एक स्टैंजा के अंदर जो नियर राइम होता है जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे कोई भी लाइन हो सकती है, पास एक लाइन पास वर्ड दे रखा है लास्ट में, एक में रिलीफ दे रखा है, एक में लाफ, एक स्पीड पीस है, इन शब्दों की राइम को मिलाना मुश्किल होता है, एनालाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको एनालाइज टाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट होती है आइडेंटिकल राइम, टू वर्ड्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम साउंड, जब दो शब्दों के बीच में सेम साउंड हो बट आर स्पेल्ड डिफरेंट, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है एंड कैरी डिफरेंट भी, उनका मीनिंग अलग। शब्द शब्द कि सेम साउंड आए लेकिन स्पेलिंग अलग हो, उनका मीनिंग भी अलग हो, इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम नीची कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट नाइट, दोनों का मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। स्टीयर स्टीयर, मीनिंग और अलग है, साउंड सेम है। हार्ट मीनिंग अलग है लेकिन सेम साउंड है। और नेक्स्ट होते हैं लिंक टाइम, लिंक टाइम जो किसी चीज को लिंक करती है, इट इज फॉर्म बाई ज्वाइनिंग ए फाइनल सिलेबल इन वन लाइन टू द फर्स्ट साउंड ऑफ द प्लग, यानी जो पहली साउंड होती है कोई भी एक लाइन, उसकी पहली साउंड से हम
शब्दों को देखेंगे कि वो किस तरीके से जुड़ती है। तो जिराट मैनली हॉपकिंस अक्सर इसको यूज करते हैं लिंक टाइम को, और वो क्या करते हैं, एक शब्द को, जैसे उन्होंने डोर शब्द को एक इनिशियल कॉन्सोनेंट वर्ड ड्रॉन के साथ, देखिए डोर को उन्होंने किसके साथ कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं ड्रॉन के साथ, और एक नया वर्ड निकालते हैं रिवर्ड, देखिए इसमें देखिए डैम ड्रॉन। तो यहाँ पे उन्होंने इस वाले लेटर को देखा, तो डैम से ही क्या करती है, ड्रॉन। ओके नेक्स्ट है रिमेम्बर को ही किसने कन्वर्ट कर दिया, रिवार्ड में। तो इस तरीके की स्टार्टिंग वाली शब्दों को ही देखते हैं जो लिंक करते हैं, उन्होंने इस रूप में लिखा डी इस तरीके से रिमेम्बर, तो इनिशियली चेंज करके उन्होंने वर्ड को लिंक किया है। पहला टाइम इन इट द कॉन्सोनेंट्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर डिफरिंग वोवल्स, जब अलग अलग तरीके के वोवल्स होते हैं उसके आगे और पीछे, तो वहां पर कॉन्सोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचान देते हैं, जैसे लुक लक, ये कॉन्सोनेंट साउंड में आ गया है। ओके उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम के अलग अलग स्टेप्स कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, और उनकी पोजीशन के हिसाब से हम उनको कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कौन सी राइम स्कीम परफेक्ट राइम स्कीम है, एनालिटिकल है आपका, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है आपका, या बिगनिंग राइम स्कीम है, एंड राइम स्कीम है, और मिडिल राइम स्कीम है। तो इस तरीके से हमने पोजीशन के हिसाब से सिलेक्टिव राइम के बारे में जाना, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। जब भी आप पोइट्री अगर पढ़ेंगे, आप कोई भी कविता पढ़ेंगे, तो इस इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से राइम स्कीम उसमें कंफर्म की जाती है। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।